हेलो एवरीवन एंड दिस इज अनुभव चतुर्वेदी अगेन एंड यू आर वाचिंग नेट हाईटेक। आ चुके हैं जार्विस की एक और नए एपिसोड पे जहां पे हम बात करने वाले हैं जार्विस के एक और नए फीचर की जो कि है क्लैप डिटेक्शन। तो जल्दी से आ जाते हैं हम अपने पाई चैम के इंटरफेस पे। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो हमने लास्ट वीडियो पे स्पीक फंक्शन के बारे में डिस्कस किया है। जिन लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अभी आई बटन में क्लिक करके या फिर चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वो वीडियो देख सकते हैं या फिर आप मेरी पूरी प्लेलिस्ट एक्सेस कर सकते हैं उस वीडियो के लिए। तो क्लैप डिटेक्शन के लिए क्या करना है आपको, मैंने आपके लिए एक परफेक्ट कोड बना के रखा है क्लैप डिटेक्शन के लिए। उसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, मैं आपको कोड एक्सप्लेन कर दूंगा लास्ट में। फिलहाल के लिए आपको सिर्फ इतना समझना है कि आपके पास ये कोड है, आपको अपने पाईचैम पे आ जाना है और आपने जो दो फंक्शन बना रखे हैं जैसे कि बॉडी के अंदर लिसन एंड स्पीक, एक और नया फंक्शन बना लेना है क्लैप डिटेक्शन के नाम से, या फिर आप कोई भी नाम दे सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं क्लैप अंडरस्कोर सेंसर नाम से एक फाइल बना लेता हूँ। लेकिन गाइस आपने ये चीज़ नोटिस की होगी कि अगर आपने यहाँ पे अंडरस्कोर डाल दिया है तो आप फ्यूचर पे इसे कॉल करने पे बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आ जाएंगी। तो मैं यहाँ से इसे रीनेम करने की कोशिश करता हूँ और इसे क्लैप डी का नाम दे देता हूँ। तो यहाँ से मैं इसे रिफैक्टर करता हूँ, रिफैक्टर पे जाके इसे रीनेम करता हूँ और इसका नाम क्लैप डी रख देता हूँ, जिससे मैं इसे वापस से किसी और डायरेक्टरी पे कॉल कर सकूँ। ज़रूरी नहीं कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही हूँ, बट मैं ये सारी चीज़ें आपको फ्यूचर में बता दूंगा कि मैंने जैसा कि आपको पहले कहा था। तो यहाँ पे मैं देख सकते हो ऊपर इसने सिंपल सा मॉड्यूल्स को इंपोर्ट किया है, यहाँ पे पाई ऑडियो मैथ्स ये सारी चीज़ें इसने यहाँ पे इंपोर्ट किया। अब नाउ आप यहाँ पे देख सकते हो गया हमारा कोड कंप्लीट। यहाँ पे हम कॉल क्लैप डिटेक्टर को अगेन यहाँ से कॉल कर लेते हैं और इसको रन करके क्लैप करके देखते हैं कि क्या ये वर्क कर रहा है। जी हाँ, ये बिल्कुल वर्क कर रहा है। यहाँ पे देख सकते हो आप जितने बार क्लैप करोगे उतने बार ये डिटेक्ट करेगा। तो यहाँ पे मैं आपको जल्दी से कोड की एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले हमने तीन मॉड्यूल्स को इम्पोर्ट किया है एक्सटर्नली, जो हमारे प्री डिफाइंड होते हैं, हमने यहाँ से इंपोर्ट किया। फिर यहाँ पे हमने वैल्यूज़ दी वेरिएबल्स के टाइप पे, जहाँ पे हमने एक प्रॉपर वैल्यूज सेट कर रखी हैं। ये वैल्यूज़ आपके लैपटॉप पे कुछ और हो सकती है, अगर आप पीसी यूज़ कर रहे हैं या माइक्रोफोन यूज़ करते हैं उनके लिए अलग हो सकती है। तो आप यहाँ से चेंज करके देख सकते हैं अगर आपका ये कोड वर्क नहीं करता है। और फिर उसके बाद हमने एक क्लास को डिफाइन किया, क्लास को डिफाइन करने के बाद हमने उसके अंदर सब फंक्शंस डिफाइन किए, जिसके अंदर हमने वैल्यूज़ डिफाइन की कि आपको किस तरीके से वर्क करना है, कुछ क्लैप्स के काउंट्स डिसाइड किए और कब जब क्लैप जो है वो काउंट उसका कंप्लीट हो जाए तो अगेन क्लैप की जो वैल्यू है वो जीरो कर दो, ताकि हम अगेन जब क्लैप हो उसे डिटेक्ट कर पाएँ। तो हमने छोटा सा यहाँ पे एक फंक्शन बनाया जो कि हमने इनिट पे स्टोर कराया। यहाँ पे आप देख सकते हो हमने जीरो डाल दिया। यहाँ पे हमने अगला फंक्शन बनाया जहाँ पे हमने क्लैप को जब स्टॉप होगी उसे हम डिक्लेयर कर सके, जैसे हमने ऊपर कॉल किया था। यहाँ पे देख सकते हो हमने एक नया फंक्शन बनाया और फंक्शन बनाने के बाद हमने इनपुट डिवाइस के रूप में ले लिया कि भाई कौन सा इनपुट डिवाइस है। फिर उसके बाद अगर कोई इनपुट डिवाइस फाउंड नहीं होता है तो उसे इफ एल्स में प्रिंट करा दो कि भाई कोई डिवाइस नहीं है। यहाँ से हमने इसे जो ऊपर हमने मॉड्यूल इंस्टॉल किया उसकी हेल्प से हमने ये रेशियोज डिसाइड कर दिए कि भाई इस तरह की क्लैप डिटेक्शंस होती है, और रिटर्न पे हमने वैल्यूज़ रिटर्न कर दी। फिर हमने यहाँ पे एक नया फंक्शन बनाया जिससे हम लिसन की हेल्प से माइक्रोफोन की हेल्प से क्लैप डिटेक्ट कर सकते हैं, और अगेन क्लैप टेस्टर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।